अभी आईपीएल चल रहा है और हाल फिलहाल आईपीएल के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि बैंगलोर का सपना चूर हो चुका है। क्यों हुआ? क्योंकि कल जो एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया था बैंगलोर और कोलकाता के बीच में, इस मुकाबले के अंतर्गत बैंगलोर को हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं आप सभी बता दूं कि बैंगलोर ने पहले खेलते हुए 138 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। वहीं जवाब के अंदर कोलकाता ने 20 ओवर के अंदर 139 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना करके 4 विकेट से जीत दर्ज करके अब आगे टूर्नामेंट में अपने कदम रख दिए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें तो बैंगलोर का सपना चूर हो गया और वहीं मैदान के बीच में विराट कोहली रोते हुए भी नजर आए हैं। वहीं साथ ही साथ उनके फैंस भी भावुक हो चुके थे और क्या कुछ इस मैच के दौरान देखने को मिला है देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मैदान में हार के बाद में रोते नजर आए विराट कोहली। कोलकाता नाइट राइडर्स ने एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा करके फिर से विराट के आईपीएल जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। हार के साथ ही आरसीबी का सफर टूर्नामेंट में समाप्त हो गया। विराट कोहली के लिए भी कप्तान के रूप में यह आखिरी मैच था। मैच हारने के बाद टीम से बात करते हुए विराट फूट फूट कर रोते हुए दिखे। उनके साथ डिविलियर्स भी रोते हुए दिखे। मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 138 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। उधर 139 रनों के टारगेट को केकेआर ने आखिरी ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर दिया। जब कोहली हार गए तो मैदान में ही रोने लगे और कोहली के रोने को लेकर के वहीं सभी लोग भावुक भी हो गए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।